घग्गर रेलवे स्टेशन पर पीछे की तरफ चलती थी दोस्तों, जो गाड़ी आगे जा रही थी बैग 12 के साथ। अब ये डिब्बे खाली हैं या भरे हुए ये भी नहीं पता। ये देखिए पीछे की तरफ जाती हुई, शंटिंग वगैरह यहाँ पर हो रही है। ये और डिब्बों के साथ जुड़ के जाएगी या फिर नंबर 1, 2, 3 या 4 पे जाएगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैग 12 लोकोमोटिव है दोस्तों इसके साथ, और भारतीय रेलवे का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है वैग 9 के बाद वैग 12, जो कि भारतीय रेलवे का बहुत ही मजबूत नींव वाला इंजन है दोस्तों। वैग 9 को देख करके बनाया गया ये इंजन, डबल डोर है और मजबूत है काफ़ी, काफ़ी क्षमतावान है और काफ़ी बड़ी इसकी वैग 12 की तरह दोस्तों रेलवे में शान है। हालांकि इस इंजन को अभी ज़्यादातर माल लोडिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों में इसका इस्तेमाल कम ही होता है मेरे हिसाब से तो। बाकी अभी पक्का नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर वैग 12 शंटिंग के लिए आया है घग्गर रेलवे स्टेशन पर। और अब देखते हैं कि क्या कोई इतिहास से पता है, क्योंकि वैग 12 जहाँ भी जाता है दोस्तों वहाँ इतिहास ज़रूर दोहराता है और लिखता जाता है, नए नए इतिहास दोहराता भी है लिखता भी जाता है। और डीजल इंजनों को तो दोस्तों आप कम ही देखेंगे अभी इस रूट पर, जो अम्बाला से चंडीगढ़ का सेक्शन है, अम्बाला से चंडीगढ़ का दोस्तों जो रेलवे का सेक्शन है वहाँ पर डीजल इंजनों की कमी हो गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड इंजन ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इनमें क्षमता ज़्यादा है और ख़र्चा भी इनका काफ़ी कम है दोस्तों। और माल ढुलाई में हो, एक्सप्रेस गाड़ियों में हो या पैसेंजर गाड़ियों में है हो, सभी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल अब किया जाने लगा है दोस्तों लगभग चंडीगढ़ सेक्शन पर। और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पर वैग 5, वैग 7, वैग 9, वैग 12, डब्ल्यू कैम, वैग 7 सभी इंजन चल रहे हैं। डब्ल्यू कैम सीरीज वाले इंजन कम है दोस्तों यहाँ, लेकिन ये इंजन काफ़ी ज़्यादा है। देखिए वैग 12 की क्षमता, पूरा जमता जनता की ये पहचान है दोस्तों, रेलवे की शान है वैग 12 इंजन। नंबर 1 पर काबिज, फौरन देखिए कितना खतरनाक है इसका, सुन हो जाते हैं कान सुन के। तो ये देखिए वैग 12 निकल गया है दोस्तों घग्गर की तरफ, अब देखते हैं अगली प्रोसेस क्या होती है यहाँ पर।